उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक हो गया आपका नायाब की वीडियोस में। तो यहाँ पे ऐसे है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि है माश दाल की। जी बिल्कुल, ये जो है ये मैं अपनी मम्मा के तरीके से जो है मैंने बनाया, और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ये किस तरह की बनी है। तो आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है वो अच्छी लगेगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर मेरी वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुंचे, आप लोग जल्दी से जो है मेरे चैनल की हर वीडियो देखा करें। ठीक है, तो आइए हम जो है अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी रेसिपी है माश दाल की। ठीक है, आइए चलते हैं। मैं आप लोगों को तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो है वो बता देती हूँ पहले ही। सबसे पहले जो है हमने लेना है प्याज, नॉर्मल साइज का आप कोई भी प्याज ले लें। ठीक है, उसको आप, मैं तो बारीक बारीक चॉप करती हूँ क्योंकि मुझे कटिंग बहुत अच्छी लगती है करना। तो आपको जिस तरह भी सूट करा आप उस तरह जो है वो उसकी कटिंग कीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। देन हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको मैंने छोटे बट्टे में जो है वो इसको कूट लिया है। ठीक है, देन टमाटर और नमक मिर्च मसाला का जो भी ऐड होगा वो साथ साथ आपको तब दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे जो है चिकन मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, जस्ट टेस्ट। अक्सर मुझे ना बस खाली दाल नहीं वैसे खाई जाती है माश की, तो इसलिए मैं जो है वो चिकन इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। बाकी जो है अब हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले जो है वो हमने इसमें जो है वो प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद ही हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है, लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है ना प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, जल्दी से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। साथ ही ना मैं इसमें जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। इससे कुछ सेकंड बाद ही ना इसमें टमाटर ऐड कर देना, इन चीज़ों की स्मेल ख़त्म करनी है अच्छी तरह भून के हमने। इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ, मैंने एक टमाटर लिया था। 3 से 4 मिनट तक मैं इस टमाटर को अच्छी तरह जो है वो मैं इसको मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी। फिर मैं इसमें नमक मिर्च और चिकन जो है वो ऐड करूँगी। अब जो है ना मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, चिकन मैंने आपको पहले थोड़ा सा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद जो है अब हम इसमें तमाम अपने मसाला जो जो भी इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड होने वो ऐड करने लगी हूँ मैं। सबसे पहले जो है हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी जो है वो होममेड है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर रही थी तो कोई इशू नहीं होता, देसी हल्दी है आपको, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पिसी हुई लाल मिर्च मैं ये जो है हसबे जायका ही ऐड कर रही हूँ, मैं मुझे प्रॉपर टेबल स्पून से बताना बिल्कुल भी नहीं आता। थोड़ी सी जो है वो मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही क्योंकि हमने पिसी हुई भी ही ऐड की है। सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ अब इसमें मैं, नमक जो है वो हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है ना हमने इन चीज़ों को सबको अच्छी तरह से जो है वो भून लेना है, और बहुत अच्छी तरह भूनना है सारा मसाला आपने। जितनी ज़्यादा अच्छी आप लोग इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका आपकी माश की दाल बनेगी, परफेक्ट बनेगी। गाइस काफ़ी जो है मसाला अच्छी तरह भून गया, अभी और टाइम लगेगा भूनने में, कि सबसे हमने सबसे अच्छा वाला मसाला भूनना है। ये नहीं करना कि बस थोड़ा सा भूने तो हम इसमें दाल ऐड करते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने पहले जो है इसको भूनना अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह वाला। तो गाइस ये देखिए मसाला जो है ना वो सारा अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको जैसे बताया था वो हो गया। ये देखें कितनी अच्छी तरह जो है मैंने इसको भूना है, आप लोगों ने भी इसी तरह का ही भूना है ना। इसमें माश की दाल जो है ना वो ऐड करेंगे, ये भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो धो लिया, इसके छिलके जो है वो मैंने उतार लिए हैं। मैंने बेसिकली ली थी छिलकों वाली दाल, इसको भिगो के रखा था, फिर मैं जो है कि छिलके उतार रहे हैं और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जल्दी से जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। दाल जो है वो मैंने सारी ऐड कर दी, अब जो हम इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। हमने ज़्यादा पानी वाली नहीं रखनी है, हमने थोड़ा सा इसको ना कम पानी वाली रखनी है। तो
गाइस इसमें जो है ना मैंने एक गिलास जो है पानी डाल रही हूँ, पूरा एक गिलास डाल रही हूँ पानी का गिलास इसमें मैंने ऐड कर दिया। और इसको जो है मैं फिर से एक बार मिक्स कर लेती हूँ तो पानी और दाल का मतलब एक लेवल हो जाए। अब आपने जो है ना इसको नॉर्मल बहुत नॉर्मल आंच पे ना इसको पकने के लिए रख देना। ये जो दाल है ना वो पूरी पकती रहेगी और हमारा पानी भी सूख जाएगा, दाल भी गल जाएगी, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट में भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसा फेस निकलता है। जो है ना हम दाल को देखते हैं तो दाल कैसी मतलब पक गई, काफ़ी पानी जो है इसका ड्राई हो गया। तो गाइस दाल जो है ना वो रेडी हो गई थी। अब इसमें जो है ना मैं हरी मिर्चें काट के डालूँगी, ऐसे नाइफ बहुत अच्छी है ये वाली। धनिया भी गार्निश कर देते हैं और मैंने इसमें ऑलरेडी गरम मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। तो हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आप लोगों की रेसिपी जो है ये दाल की माश दाल की कैसी बनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है आप लोगों के लिए, तो जरूर आइएगा कमेंट करके बताइएगा और ट्राई कीजिए। जो है वो एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।